नाम रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चार बात की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ हाजिर हैं। ये लाइव ट्रांसमिशन पेश की जा रही है अली हैदर टीवी न्यूज़ के चैनल पर। और मैं बताते चलूँ कि अब लोग ये कह रहे हैं कि आपने पूरी जामत बना ली, मुझे अपने कपड़े चेंज नहीं। ये बहुत लोगों के मैसेजेस आ मेरे पास फ़ोन कॉल्स आई। बहाल मुझे एक ये है कि मैं कल कपड़े चेंज करूँगा और अभी तो मैं वही पहना हूँ जो कल पहना हुआ था। बहाल चांद बात मैं सादगी के साथ बना रहा हूँ, मैं कहीं गया भी नहीं ना, मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं है कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। बहाल मुझे दुनिया को नहीं दिखाना, मुझे एक सादगी अपनानी है। और लोगों ने ये कहा है कि ना आपने कपड़े पहने, ना कुछ ना आपने बाल कंगी किए, ना कुछ आप प्रोग्राम करने लगे। बहाल मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, सादगी के साथ कर रहा हूँ, अमन के साथ कर रहा हूँ, जितना कर रहा हूँ सुकून के साथ कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि ईद है और अभी कह रहे हैं कि दुआ रिसेप्शन स्पीच अभी तक नहीं प्रेजेंट की, 2 बजे हैं आपकी, मगर मैं ये मेरे ख्याल से 4-5 बजे तक एक जो प्रोग्राम लास्ट होगा 5-4:30 बजे तक, फिर तो फजर की अजान हो जाएगी और फिर ईद की अजान। मैं तो लास्ट प्रोग्राम करूँगा 4-4:30 बजे वाला, उसमें मैं ये रेजोल्यूशन पास करूँ, क्योंकि सुबह फजर के थ्रू दिन को रेजोल्यूशन की स्पीच पास हो ज़्यादा बेहतर होता है और उससे पहले थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। बाल दिन तो हम कोई क्रिश्चियन भी नहीं है कि हम 12 बजे के बाद देंगे, मगर हमारी डायरी की पॉलिसी है कि हम 12 बजे के बाद रेजोल्यूशन दे देते हैं। अभी तक नहीं आई है मेरे पास, अगर आ जाती तो मैं पढ़ देता। अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि दुआ स्पीच और रेजोल्यूशन क्या है, चाहे दुआ अलग हो स्पीच अलग हो या रेजोल्यूशन अलग हो। रेजोल्यूशन तो एक पट्टा होता है जो देना होता है कि हमने हम किस चीज़ बेस पे खड़े हैं, खजादात हैं हमारी ये कि आइंदा की जो पूरा एक साल है ईद तक अगले साल तक का, उस पर हम ये खजादात रखते हैं, उस पर हम यकीन कामिल रखते हैं, उस पर हम पूरा अपना भरोसा रखते हैं, उस पर हम पूरा इतिहाद रखते हैं कि हम उस वक्त तक इस बात पर कायम रहेंगे। तो दैट डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम तो होंगी। ईद उल फितर जो है वो अमन का पैगाम, अमन का नाम है, मोहब्बत सुकून प्यार भाईचारगी का नाम है। और जितनी भी ईद उल फितर बनाई जाती है, हमने जितनी भी बनाई हैं अमन के साथ बनाई हैं, भाईचारगी के साथ बनाई हैं और एक खुलूस का रास्ता अपनाने के जिम्मे में हम बनाई हैं। और ईद उल फितर मनाना अमन का पैगाम ये है कि किसी को बिला जवाब ना टोकें, क्योंकि कोई पैंट शर्ट पहन के, मैंने अक्सर देखा है कि ईद की नमाज़ पढ़ने लड़के पैंट शर्ट पहन के आ जाते हैं, तो उसको उनको बहुत बुरी नज़र से देखा जाता है। अब आप खुद देखें, जिसके पास ईद का जोड़ा नहीं बना है, किसी के पास नहीं भी बना होता, बहुत से लोग हैं, बहुत से खाते पीते घर आ रहे हैं, उनके भी नहीं बना होता, तो अगर वो पैंट शर्ट पहन के आ रहे हैं ना, आप अमन से नाम लें, अमन पसंदी का नाम लें। मैं तो नहीं जा रहा, मैं तो काफ़ी साल से नहीं जा रहा, मगर मैं जब तक गया हूँ उसमें मैंने देखा है कि बिल्कुल आप जैसे भी लिबास पहन के आए उसमें ईद मनाएं। ईद दुनिया भर में मनाई जा रही है और दुनिया भर में तमाम अहले वतन को जहाँ जहाँ मेरे पाकिस्तानी भाई बसे हुए हैं और दुनिया भर में जहाँ जहाँ सऊदी अरब है, UAE है, जितने भी मुसलमान मुल्क हैं उन सब में ईद मनाई जा रही है। सबको मेरा ईद का पैगाम मोहब्बत है, प्यार है, और जितनी भी मोहब्बत बांट जाए कम है, मोहब्बत है बांटना, यही हमारा हक का रास्ता है। ईसा का नाम है ईद के, हम अपना कुछ ना कुछ कुर्बान कर दें, कुर्बानी का नाम है ईसा और कुर्बानी। हम कुछ ना कुछ किसी को थोड़ा बहुत दे दें तो वो हमारे जिम्मे में, हमारे अकाउंट में वो कैसे कम नहीं होंगे, वो तो क़यामत के दिन लिख दिए जाएंगे, वो क़यामत के दिन आपको ज़रूर मिलेंगे। जितना भी हम गरीबों को देंगे वो आपको वापसी ज़रूर मिलेगा। जब हम क़यामत में नन्ना दोस्त के फैसले हो रहे हैं उसको वो आपकी नेकी देखी जाएगी कि आपने ये नेकी की थी। गरीब गुरबा का ख्याल जब तक नहीं रखा जाएगा उस वक्त कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। और हमारा तो ये बात है कि ये भी नहीं कहा जा सकता कि गरीब कम है, गरीबों की तादाद बहुत ज़्यादा, अमीरों की तादाद कम है। अमीर तो बहुत से मुल्कों में कम ही होते हैं, गरीब ज़्यादा होते हैं, मगर हमारा पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ अमीर भी हैं गरीब। ये नहीं कहा जा सकता कि जैसे बहुत से साउथ अफ्रीका में मुल्क हैं वो बहुत गुरबत के प्यार हैं, वैसा मुल्क नहीं है। बाहर अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम देख रहे हैं।
बहाल ईद चार बार स्पेशल ट्रांसमिशन और लाइव ट्रांसमिशन जारी है। 2 बजे हैं हमारी घड़ियों में और अभी ट्रांसमिशन अभी इस सेशन में इख्तिताम करूँगा। 3 बजे फिर हाजिर होंगे। अल्लाह।